ये देखिएगा भाई, गेट से ही एंट्री है इसकी, यहाँ से बंद है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद राशिद व्लॉग में। और मैं हूँ आज महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर की स्थापना जो की थी ना भाई, वो इंद्र ने की थी। भगवान ऋषभदेव की आज्ञा से इंद्र ने हस्तिनापुर, वाराणसी और उज्जैनी, इन नगरियों की स्थापना की थी। चलिए अब हस्तिनापुर का अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको, जम्बूद्वीप वगैरह दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं अंदर फिर। दोस्तों ये इसकी मेन एंट्री है जम्बूद्वीप की, ये देख रहे हैं आप, इसका गेट है। अब इसी गेट से हम लोग अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मैं अंदर एंट्री कर चुका हूं और मैं अब आपको दिखाने वाला हूं कमल मंदिर, लोटस टेंपल। ये यहां हस्तिनापुर में लोटस टेंपल है। अभी मैं चल रहा हूं मंदिर के अंदर का व्यू दिखा देता हूं आपको। ये लोटस टेंपल है, देखिएगा। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, ये रेड कलर की बिल्डिंग है ये, जो मैं आपको बता दूं, ये भगवान ऋषभदेव का आहार महल है। अब चलिए दूसरी जगह दिखा देता हूं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पानी का है, किसी को प्यास वगैरह लगे तो यहाँ पानी का ये दिया हुआ है। और एक बार वो बता दूं भैया, ये बंदर यहाँ बहुत हैं, इनसे सावधान रहें बिल्कुल। आपका मोबाइल सामान वगैरह कुछ भी छीन के यहाँ से भाग सकते हैं। अब आगे चलते हैं, दिखाता हूँ सुमेरु पर्वत आपको। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये सुमेरु पर्वत है। अभी इसके अंदर चलते हैं। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं अखंड ज्ञान ज्योति है, और आप कोई भी एक्टिविटी इधर कर सकते हैं बच्चों के साथ में। ये देखिएगा, यहाँ हाथी के ऊपर सवारी कर सकते हैं। अंदर जम्बूद्वीप की रेल बनी हुई है, रेल दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखिएगा, ये जम्बूद्वीप में रेल के साथ आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं सुमेरु पर्वत, यहाँ इसकी एंट्री। ये अंदर जाने का रास्ता बंद है, ये सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलता है, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं ये। तो अभी मैं साइड से आपको दिखाता हूँ चल के। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ आप नाव में बैठ के एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी हम नाव में बैठेंगे तो ये देखिएगा, ये घुमाते हैं पूरा नाव में। हम भी बैठने वाले हैं अभी टिकट लेके, इसमें देखते हैं इसका टिकट कितने का है, फिर बैठते हैं नाव में। तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया है और हम दो लोग हैं, 20 रुपये का टिकट है, 40 रुपये लगे। अब चलिए अंदर चल के नाव में बैठते हैं। ये देखिएगा हम चल रहे हैं, तो हमारी नाव आ गई है और हम इसमें बैठने वाले हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये इसका व्यू है सुमेरु पर्वत का। तो अभी हम बैठे हैं इस नाव में, चलेंगे अब। चल दिए भाई नाव में हम अपनी। अब ये देखिएगा, ये व्यू देखिएगा इधर का, काफ़ी शानदार है सुमेरु पर्वत में। और ये नाव में हम बैठे हैं भाई, देखा चाहिए आप, नाव घूमने चल रही है अपनी। कोई हमारा स्टेशन आ गया, अब हम चल रहे हैं तीन लोक रचना देखने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तीन लोक रचना के पास चलते हैं अभी। दोस्तों तीन लोक के बारे में मैं बता दूं, आज आपको इसके अंदर जो है ना, स्वर्ग, नरक और जैसी करनी वैसी भरनी, तीनों लोक हैं। अभी जो चल रहे हैं दोस्तों, तेरह दीप रचना देखने चल रहे हैं, चलते दिखाता हूँ आपको। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये तेरह दीप रचना है, तो जो अभी मैं इसके अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं इसके अंदर, कहते हैं इसके अंदर ब्रह्मांड का नक्शा है, पूरे ब्रह्मांड का नक्शा। चलिए चलता हूँ अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये तेरह दीप रचना है और कहते हैं इसमें पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है ये अंदर। देखिए मैं थोड़ा सा अंदर से आपको दिखा दूँ, ये शीशे करीब शीशे में कवर्ड है। ये देखिएगा, ये पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है, बताते हैं पूरे ब्रह्मांड का नक्शा यहाँ पे बना हुआ है तेरह दीप रचना के अंदर। ये तो काफ़ी अच्छा है ये भी।
चलिए अब चलते हैं बाहर। ये देख सकते हैं आप, ये 72 मंदिर का मॉडल है जिसे अष्टापद भगवान ऋषभदेव ने ऋषभदेव के मंदिर बोले जाते हैं। देखिए अभी चलते हैं, इनका फुल मॉडल दिखाने आपको बने हुए पूरे। ये तो मॉडल है, जो रियल में बने हैं वो उधर वहाँ सुमेरु पर्वत के आगे बने हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ पे, दिखाता हूँ आपको वहाँ पे। अभी मैंने आपको दिखाया था 72 मंदिर का मॉडल, अब इसी को देख लीजिए, वो सारे यहाँ बने हुए हैं। मैं आपको साइडों से इसका व्यू दिखाऊंगा, देखिएगा यहाँ लिखा है सुख शांति द्वार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जैन पाठ चल रहा है 26 तारीख तक, इसमें अंदर जाने की एंट्री बंद है। तो आप बाहर से देख सकते हैं, जो मॉडल मैंने आपको दिखाया था 72 मंदिर का, वो यही बना हुआ है, अब अंदर जाने की एंट्री नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। मैं आपको लेके आया हूँ बड़े वाले जम्बूद्वीप पे, जो अंदर मैंने आपको दिखाया था अभी वो मॉडल था। तो यहाँ बड़ा है, ये इसका मेन गेट है, और फिलहाल जो है भाई इसके अंदर की एंट्री बंद है। मैं यही बाहर से ही आपको दिखाता हूँ अभी। ये सामने आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर ही देखिएगा भाई, गेट से ही एंट्री है इसकी, यहाँ से बंद है। और मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ इसका, बहुत ही शानदार है। आप लोग आएँ तो यहाँ इसके अंदर ज़रूर आएँ, लेकिन आज तो फ़िलहाल बंद है ये, लेकिन खुला रहता है ज़्यादातर। ये बहुत शानदार है, इसके अंदर का तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या करें अब मजबूरी है भाई, बंद है। तो दोस्तों ब्लॉग का मैं एंड करता हूँ, जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़्यादातर चीज़ें यार बंद मिली, आए तो हैं घूमे हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बंद मिली, क्योंकि यहाँ जैन धर्म का पाठ चल रहा है अभी। तो एंट्री तो है अंदर, लेकिन जैनियों की है भाई अंदर एंट्री। तो चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।